पार्ट टू बॉक्स प्लीट स्कर्ट। यहाँ पर हम अस्तर ए लाइन अनुसार कट करने वाले हैं। यहाँ पर पूरी लंबाई कम एक इंच ले। यहाँ पर कमर घेरे का चौथा हिस्सा अधिक एक इंच ले। यहाँ पर हमने कमर पर गोल आकार दिया है। दिखाई अनुसार सभी जगह पर लंबाई के नाप आंखें। यहाँ पर अस्तर का घेरा 13 से 14 इंच ले। यह घेरा आप इच्छा अनुसार कम या ज्यादा भी ले सकते हो। अब हम बॉक्स प्लीट के लिए मेन कपड़ा कट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने 1 मीटर चौड़ा कपड़ा लिया है। यहाँ पर हम फ्रंट के लिए 1 मीटर और बैक के लिए 1 मीटर लेने वाले हैं। इस तरह से हमारा पूरा घेरा 2 मीटर का तैयार होगा। कपड़े की लंबाई घाघरे की लंबाई जितना ले। यहाँ पर हम 1 इंच का बेल्ट लगाने वाले हैं, इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ली है। इस तरह हमने फ्रंट और बैक के लिए 1-1 मीटर के 2 कपड़े लिए हैं। दिखाई अनुसार कपड़े का मध्य निकालें। यहाँ पर सेंटर से दाई तरफ 1/2 इंच और बाई तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करें। इस तरह हम पूरी बॉक्स प्लीट 1.5 इंच की तैयार करने वाले हैं। दिखाई अनुसार प्लीट लेकर पिन लगा लें। दूसरी प्लीट के लिए भी यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करें। दिखाए अनुसार प्लीट्स लेकर पिन लगा लें। इसी तरह से सभी प्लीट्स लेकर यह हिस्सा अस्तर के कमर जितना तैयार करें। इस तरह हमने सभी प्लीट्स लेकर यह हिस्सा तैयार कर लिया है। यहाँ पर कपड़ा और अस्तर कमर के हिस्से पर जोड़ ले। इस तरह हमने फ्रंट और बैक के दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। दिखाई अनुसार अस्तर के बॉटम मोड़कर सिलाई कर ले। यहाँ पर दोनों हिस्सों को इकट्ठा रखें। बाई तरफ 5 इंच तक अस्तर और कपड़ा एक साथ जोड़ें।
यहाँ पर हम 5 इंच तक चारों कपड़ों को एक साथ रखकर सिलाई लगाने वाले हैं। अब दिखाए अनुसार अस्तर हटाकर सिर्फ मुख्य कपड़े की साइड जोड़े। अब कपड़ा हटाकर सिर्फ अस्तर की साइड जोड़े। अब दूसरी तरफ 5 इंच तक सिर्फ अस्तर और कपड़े को एक साथ जोड़े। यहाँ पर जेब के लिए 5 इंच छोड़कर अस्तर की साइड अलग से और मुख्य कपड़े की साइड अलग से जोड़े। अब कपड़े को हटाकर सिर्फ अस्तर की साइड जोड़ें। अब हम साइड पर जिप लगाने वाले हैं। पहले साइड मार्जिन को मोड़कर सिलाई लगा लें। अब दिखाए अनुसार जिप जोड़ें।
बची हुई जिप कट कर ले। यहाँ पर जिप के बॉटम पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने वाले हैं। अब हम स्कर्ट के लिए बेल्ट कट करने वाले हैं। कैनवस की लंबाई कमर अधिक 2 इंच ले। कपड़ा हमने कैनवस से थोड़ा ज्यादा कट किया है। यहाँ पर हमने 1.25 इंच की पट्टी के लिए 4 इंच का कपड़ा कट कर लिया है। दिखाए अनुसार कपड़ा ऊपर की तरफ से 1/2 इंच मोड़कर सिलाई कर ले। दिखाए अनुसार ऊपर की तरफ से 1/2 इंच पर बेल्ट जोड़े। दिखाए अनुसार साइड मार्जिन पर सिलाई करें और पलट लें। अब पूरे बेल्ट पर सिलाई लगाकर जोड़े। दिखाए अनुसार कपड़े के बॉटम मोड़कर सिलाई कर ले। इस तरह हमारा बॉक्स प्लीट स्कर्ट तैयार हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।